राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं राजधानी जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है। सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता राकेश मीणा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन इस वक्त जयपुर में चल रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आवास पर विरोध प्रदर्शन के सुर बुलंद हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती में सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाने की मांग है। सक्षम अधिकारी की बाध्यता का यहां पर विरोध हो रहा है, उसे हटाने को लेकर मांग हो रही है। यूनियन के कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने का भी प्रयास किया। कई कर्मचारी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी राजस्थान से इसी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहा है, जहां पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और कुछ नेताओं को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को सभी को डिटेन करना पड़ा था और डिटेन करके पुलिस ने उन सभी प्रदर्शनकारियों को, ज्यादातर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की थी। सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाने को लेकर कर्मचारी यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, खासतौर पर उन लोगों को पकड़कर पुलिस डिटेन कर रही है, हल्का बल प्रयोग करके उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास भी पुलिस की ओर से किया गया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा के आवास के बाहर इस वक्त, यूडीएच मंत्री के घर के बाहर इस वक्त ये माहौल है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जी राजस्थान एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखा रहा है क्योंकि हमारी टीम इस वक्त झाबर सिंह खर्रा के घर के बाहर ही मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। देखिए कैसे भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी का भी इस्तेमाल किया, पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू किया और हल्का बल प्रयोग करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरा ताकि आने वाले समय में इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और जिन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन इतना बुलंद हो रहा है, ये प्रदर्शन इतना बुलंद हो रहा है, उस प्रदर्शन को शांत किया जा सके। पुलिस का काम यही था कि इन्हें थोड़ा शांत किया जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती में सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाने की मांग को लेकर यहाँ पर ये पूरा हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। अभी की अपडेट यही है कि नारेबाजी अभी भी चल रही है, पुलिस का हल्का बल अभी भी प्रयोग हो रहा है, लोगों को हिरासत में लेने की कार्रवाई पुलिस अभी भी कर रही है और झाबर सिंह खर्रा के घर के बाहर ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। वर्तमान के अपडेट्स क्या हैं, ये सारी अपडेट्स आपको तस्वीरों के माध्यम से जी राजस्थान लगातार दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपको जी राजस्थान दिखा रहा है एक्सक्लूसिव और मेरे सहयोगी दिनेश तिवाड़ी जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। दिनेश, अभी की अपडेट क्या? हार्दिक, सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर ये सारा विरोध प्रदर्शन था। डीएलबी ने, स्वास्थ्य संस्थान ने हाल ही में 23,820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी और अब उसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, उसको लेकर ये सारा विरोध प्रदर्शन था। इसमें क्योंकि सफाई कर्मचारियों के दो अलग अलग गुट है, जो कि एक सफाई कर्मचारी में सक्षम अधिकारी को कंपलसरी रखना चाहता है, दूसरा उस सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाना चाहता है। ऐसे में आज राकेश मीणा, जो कि कर्मचारी यूनियन के नेता है, उनके नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन था और वो चाहते हैं कि जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता है, जो सर्टिफिकेट को अप्रूव करने के लिए, उसको हटाया जाए। जो आवेदन में, भर्ती प्रक्रिया में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाएगा, तब वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। ऐसे में उस सक्षम अधिकारी की बाध्यता को हटाने को लेकर ये पूरा प्रदर्शन था। राकेश मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ यूडीएस मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बाहर, लेकिन पुलिस ने समझाइश की। पहले इन्होंने रोड जाम कर दिया, जो आवास के बाहर वाला रोड था, सेक्टर रोड, उसको जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश की और रोड को खाली करवाया और फिर वहां से जाने के लिए भी इनको कहा, लेकिन लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, भीड़ को तितर बितर किया और जो कर्मचारी यूनियन के नेता थे उन सबको हिरासत में दिया। अब पूरी तरह माहौल शांत हो चुका है, जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के डंडे को देखकर भाग चुके, हल्का बल प्रयोग किया, कुछ लोगों को डंडे मारे और वहां से रवाना किया और जो इसके यूनियन के जो नेता थे, सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता थे, उनको हिरासत में लिया और वहां से थाने पहुंचाया। तो अब माहौल शांत है पूरी तरह, ये कह सकते हैं कि कुछ समय पहले जो पूरा आक्रोश का माहौल था, भीड़ इधर उधर थी, तितर बितर थी, एक गर्माहट जो माहौल में थी, अब वो शांत हो चुकी क्योंकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, कुछ लोगों को डंडे मारे और वहां से भगाया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।